करुण पुकार सुनकर जटायु भी उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दिए। परंतु बलशाली रावण से पक्षीराज जटायु भी मूर्छित होकर गिर पड़े। सीता जी असहाय थी। सीता जी ने वन में जगह जगह पर अपने आभूषण फेंके ताकि उन्हें खोजने में श्री राम को सहायता मिले। लंका ले जाकर रावण ने सीता जी को त्रिजटा नाम की राक्षसी की देखरेख में अशोक वाटिका में कैद करके रखा। श्री राम के बिछुड़ जाने से सीता जी दुख भरे जीवन व्यतीत करने लगी, पर लंकेश्वर को जरा भी दया न आई। किष्किंधा नगरी के वानर राजा सुग्रीव को जब श्री राम ने सब कुछ बताया, तब उनके कुछ वानरों को वन में सीता जी के आभूषण मिले और सीता जी की खोज में श्री राम को सहायता मिली। फिर श्री राम से अंगूठी लेकर हनुमान जी सात समंदर पार लंका की अशोक वाटिका पहुंचे। अंगूठी देखकर सीता जी को विश्वास हो गया, अब मेरे स्वामी आएंगे, मेरे दुख दूर होंगे, पापी रावण का अंत होगा। फिर सीता मैया से हनुमान जी ने कंगन लिया और लौटने लगे किष्किंधा। लेकिन रावण तक यह खबर जा पहुंची थी। उसकी राक्षसी सेना ने हनुमान जी को पकड़ उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने भी रावण को सबक सिखाना उचित समझा और उन्होंने लंका को जलाकर राख कर दिया। सोने की लंका धू धू कर चल गई, पर बलशाली रावण कुछ न कर सका।
सीता की खबर मिलते ही उनकी कुशलता जानने के बाद श्री राम ने युद्ध की तैयारियां शुरू की। वानर भाई नल नील की सहायता से पत्थरों पर राम राम लिख सागर पर सेतु बनाया गया। और श्री राम वानर राज सुग्रीव जामवंत हनुमान एवं उनकी वानर सेना लेकर लंका पहुंचे। और बज गया युद्ध का विगुल। राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। प्रबल चित्कार अंतर्नाद अस्त्रों शस्त्रों की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। फिर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर आघात लगाकर मूर्छित किया। श्री राम परेशान हो उठे। हनुमान सुसेन वेद के कहने पर संजीवनी बूटी की जगह पूरा पर्वत उठा लाए। वैद्यराज ने औषधि तैयार की और उसके प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हुए। फिर युद्ध शुरू हुआ। तीर बाण धनुष खड़ग राक्षसों के गर्जन लहूलुहान होती दोनों सेनाएं। रात दिन होता युद्ध देखकर रावण ने अपनी महाशक्तिशाली भाई कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने और उसे युद्ध में भेजने का आदेश दिया। नगाड़े बिगुल शब्दों का शोर फालों की नोक शस्त्रों का दर्द भी कुंभकर्ण को जगा न सका। फिर स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से निद्रा भंग हुई।
और वो युद्ध करते हुए श्री राम की शक्ति के सामने ठहर न सका। राम ने सत्य की जीत और पाप का अंत करने के लिए शीघ्र ही इंद्रजीत की मृत्यु के पश्चात रावण को स्वयं ललकारा। आमने सामने राम रावण और शुरू हुआ दोनों का युद्ध। धरती आकाश पाताल कई महीनों तक युद्ध चला। अंत में ब्रह्मास्त्र साधकर श्री राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की। इसके बाद विभीषण को लंकापति बना सुग्रीव से विदा लेकर राम अयोध्या लौटे और शुरू हुआ राम राज्य। आदर्श नारी के रूप में सीता जी की परीक्षा ली गई। क्षुब्ध होकर सीता जी चल पड़ी वाल्मीकि आश्रम और वहां आश्रय लिया। वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। इसी बीच राजा रामचंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अपनी सभा में आए लवकुश के गीत को सुनकर वे मुग्ध हो गए। परिचय पूछने पर पिता का नाम लवकुश ने जब श्री राम कहा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई।
और वे वाल्मीकि आश्रम जाकर सीता जी को वापस अयोध्या ले आए। फिर था संपूर्ण परिवार एक साथ और इस तरह कुशलता पूर्वक हुई राम राज्य की स्थापना।